नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिना खान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसे 2 मार्च से 8 मार्च तक मनाया जाता है। महिला से जुड़े गंभीर सवालों से हम आपको इस पूरे सप्ताह रूबरू कराएंगे। इस बार का हमारा विषय है घरेलू हिंसा। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप देखने सुनने को मिलते हैं। कहना गलत ना होगा कि ये समस्या इस देश की सांस्कृतिक जड़ों तक जाती है। सिर्फ पति के थप्पड़ मार देना ही घरेलू हिंसा नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं से हिंसा में सास ससुर, जेठ जेठानी समेत घर के अलग अलग रिश्तों में आने वाले लोग शामिल होते हैं। ये सोचना भी गलत है कि घरेलू हिंसा सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के साथ होती है। शादी से पहले लड़की को मारना, पीटना, जबरन उसकी शादी कराना, ये सब भी घरेलू हिंसा का ही हिस्सा है। कानून तक जो मामले पहुंचते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। दरअसल घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामले घर की चार दीवारी में ही दम तोड़ देते हैं। हमारा यही काम होता है कि जब कोई महिला आ रही है, परेशान है, तो उन दोनों को उसको बिठा के उससे पूरी बात पूछते हैं। कई बार लिखित में भी लाती हैं एप्लीकेशन और कई बार मौके पर भी अपनी बात बताती हैं। लेकिन उसको फिर अगर हमें लगता है कि मतलब उसका समझौता हो सकता है, दोनों का पति पत्नी का परिवार बन सकता है और घर टूटने से बचाने का ही हमारा काम है। महिला थाने का एक काम ही है कि किसी दोनों परिवारों को ना टूटा जाए, तोड़ा जाए, तो हम दूसरे पक्ष को बुला के दोनों से बातचीत करते हैं। अगर संभव हो पाता है तो दोनों का समझौता ही कराते हैं और दोनों पति पत्नी साथ रहने के लिए चले जाते हैं। अमूमन कई बार केस में ऐसा होता है कि ज़्यादा इतनी हद तक झगड़ा चला जाता है तो उसको नहीं उनका बन पाता है, इतनी दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो फिर अगर महिला चाहती हैं कि उनका मुकदमा लिखा जाए तो मुकदमा लिखने के बाद में फिर जो कानूनी कार्यवाही है वो करनी पड़ती है, तो करते हैं, कोर्ट में जाके दोनों का अपना देखते हैं। भारत जैसे देशों में महिला हिंसा के मामले दहलीज से बाहर इसलिए भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ महिलाओं की सामाजिक हैसियत नहीं होती, ना ही उनका कोई आर्थिक आधार होता है। इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि मायके में ये भावना होती है कि लड़कियाँ पराई होती हैं और ससुराल में कहा जाता है कि लड़की बाहर से आई है। इस सोच की वजह से ही आमतौर पर पीड़िता घरेलू हिंसा बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि उसके लिए कहीं स्पेस ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि वो पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के बाद उसी के साथ पूरे अधिकार से रह सके। इस मामले में कानून भी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होता है। प्रताड़ित हो भी रही हैं, प्रताड़ित कर भी रही हैं। अगर हम कहें कि एक तरीके से घरेलू हिंसा केवल महिलाओं के लिए हो रही है तो वो भी कहना गलत है। कुछ महिलाएं भी कर रही हैं तो कहीं पर पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, आजकल हम दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करना चाहते तो इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, हमेशा से हम इक्वली थे। अब हमारे इस पास में केवल एक ही चीज़ है कि नहीं, हमको इक्वल चलना है, हमें पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चलना है। वो तो हम हमेशा से थे, कभी हम अलग थे ही नहीं। हमारा हिंदू समाज इसी बेस पे था कि हम एक दूसरे के साथ ही चलते। भारत में शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला को पता चलने लगता है कि वो जिन अजनबियों के बीच आई है उनका व्यवहार कैसा है। कुछ दिनों बाद ही छोटी छोटी बातों पर शुरू हुआ झगड़ा हिंसा में तब्दील हो जाता है। पहली बार पति के एक थप्पड़ से शुरू होकर इसका अंत कहाँ होगा, कहाँ नहीं जा सकता। अगर इसमें दहेज का मामला भी शामिल होता है तो पति का पूरा परिवार ही हिंसा में शामिल हो जाता है। दुर्भाग्य से इस मामले में काउंसलिंग करने के लिए देश में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि या तो महिला सहती रहती है या फिर मायके आकर बैठ जाती है। नतीजे में उसे अवसाद घेर लेता है और कई बार इसका अंत बहुत बुरा होता है। होती है, इसमें अक्सर महिला ज़्यादा प्रभावित होती है, पीड़ित होती है। अच्छा, इस उत्पीड़न की वजह से महिला के पूरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव होता है। मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, एफिशिएंसी कम हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और इन बीमारियों के कारण कुछ फिजिकल बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका सीधा प्रभाव उस महिला की एफिशिएंसी पर होता है
और वो मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं रहती। अच्छा, ना सिर्फ महिला के ही से प्रभावित होती है, पूरा परिवार ही होता है। बच्चों के ऊपर इसका सीधा प्रभाव होता है, बच्चों की वो जितनी परवरिश देखभाल करना, चाहे पढ़ाने लिखाने में, चाहे उनके खाने पीने में, उनको तौर तरीके सिखाने में, वो अपना रोल जितना करना चाहिए वो इफेक्टिवली नहीं कर पाते, तो पूरा प्रभाव परिवार ही इससे पीड़ित होता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उनकी आर्थिक आज़ादी के बिना संभव नहीं है, साथ ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी में उच्च पदों तक महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इससे राजनीतिक पार्टियों के मर्दवादी चिंतन को समझा जा सकता है। नमस्कार।